हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट गियर। फाइनली आ गए हम दूसरे वीडियोस के साथ, लेकिन उससे पहले मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ भाई। तुमने आज तक मेरा चैनल ना बहुत अच्छा सपोर्ट किया, उसके व्यूज़ तो अच्छे खासे आ रहे हैं, बट प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर दो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और लाल बटन को दबा दो यार। मोटिवेट करेगा वो मुझे नए नए कंटेंट डालने के लिए, नए नए वीडियो डालने के लिए। ठीक है, तो गाइस सब्सक्राइब कर दो चैनल को और इसी तरह न्यू न्यू वीडियोस देखते रहो। तो सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। सो गाइस, ये है आज का हमारा प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं पैडल किट। एक्चुअली है इसको आप रेसिंग पैडल किट भी बोल सकते हो या पैडल किट भी बोल सकते हो। इसका कंप्लीट इंस्टॉलेशन आज हम करेंगे अपने गाड़ी में। इसको ऑलरेडी मैंने खोला हुआ है, ये देखो आप देख सकते हो, ये रहे दो अपने रेस एंड ब्रेक के लिए, सॉरी ब्रेक्स और क्लच के लिए, ये दोनों ये आप देख सकते हो कम्प्लीटली। ये देखो एक इसका क्वालिटी जो है, बिल्ड क्वालिटी मैं बोलता हूँ ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और ना ही ज़्यादा ख़राब है। ये प्लास्टिक जो है हैवी मटेरियल का है, और इसके यहाँ पे आप अंदर देखोगे ना ब्लैक ब्लैक, ये जो है रबड़ क्वालिटी है जो बहुत ही ग्रिप में मतलब मेंटेन करेगी अच्छे देने के लिए। और इसके अंदर आपको ये साथ में मिलता है रेस पैडल के लिए, रेस के लिए भी ये आपका एक्सेलरेशन शिफ्ट जो है उसका पैडल जो है उसके ऊपर लगाने के लिए, ये बिल्कुल इस तरह में लग जाएगा। ये इसका भी आप मटेरियल मतलब मैंने आपको और भी ये कलर में मिल जाता है, अवेलेबल है अमेज़ॉन पे। आप चाहे तो कोई ब्लू कलर में भी या ब्लैक कलर में भी आप मंगा सकते हो। मैंने तो अपना रेड और ब्लैक ही मंगाया, क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी का रेड एंड ब्लैक का ही इंटीरियर ऑलमोस्ट रखना है, तो उसमें मंगाया। आपको इसके साथ साथ आपको ये तो उसके साथ है, देखो ये एक मिल जाए, रुके ये साइड में कर देता है, इसका कुछ काम नहीं है। या पेस देखो, ये जो है इसको आप ये अलग कर लो, पहले आपको इजी पड़ेगा उससे, ये भी एक अलग कर लो। ठीक है, तो अब भी राइट ना आपको क्या करना है, ये आप ये जो पैडल है, ये पैडल पे आपको ये जो स्क्रूज है ये छोटे, ये जो है ये आपको एक्सेलरेशन पैड पे, ये तो इसका अलग ही दिखाऊंगा इसका इंस्टॉलेशन। मतलब फिलहाल आपको एक दोनों का तो सेम ही है, एक का मैं दिखा देता हूँ अभी फिलहाल, क्लच का या शिफ्ट इसका पकड़ लो। ये जो स्क्रू है, ये स्क्रू नहीं है एक्चुअली, दूसरी पट्टी है जिसके एक साइड होल है और दूसरे साइड देखो ये है दबेला है। इसको करना है ये लेना है, और ये लॉन्ग स्क्रूज जो है इसको लेना है, इसको आपको इसके अंदर डाल देना है। सो गाइस, इसको ये स्क्रू को, लॉन्ग स्क्रू को इसके अंदर डाल देना है, और आप ये देख सकते हो इसको इधर से नीचे साइड से डाल देना है इसको। ये ध्यान रखना कि ये इसका जो बाहर निकला हुआ साइड है, ये अंदर जहाँ से दबा हुआ है, ये बाहर के नीचे साइड ही रखो और बाकी इसको अंदर रखो। और बाद में एक स्क्रू जो है ये इसमें ऐसा लगा के, ये चारों आप लगा ले लो, ये लगा के इसको इधर से नट बोल्ट लगा दो देखो। और अब भी इसको टाइट मत करना, इसको सिर्फ हल्का सा नाम के लिए लगा दो कि जिससे ये नीचे वाली जो पट्टी है वो निकले नहीं। ठीक है, ये इस तरह लग गया, तो इसी तरह हम चारों को लगा लेते हैं। चारों स्क्रू यहाँ से तो डाल लिए है, और इसको देखो इस तरह से ये लगा। अभी फ़िलहाल इसको लूज ही रखो, ये आपका ये जो है अभी हम क्लच पे लगाते हैं इसको, आप देख लो इसको किस तरह से लगा दिया। मेक श्योर कि ये अंदर साइड ही रहे, ये फ्लैट साइड जो है इसका फ्लैट बेड वो अंदर साइड रहे, जिससे हम क्लच रबड़ पे इजीली पड़े। इसको लूज ही रखो, और आपको एक लगेगा स्क्रू ड्राइवर, आपको दिखा देता हूँ कैसा लगता है ये। ये देखो ये इसको जो है, ये जो आपको इसको अंदर साइड करना है, ये इसके अंदर ऐसा लग जाएगा, और इसको भी तो गाइस आप देख सकते हो ये कम्प्लीटली लग गया है, चारों तरफ से स्क्रूज इसके जो है लग गए। एक सेकंड, एक तरफ से नीचे तरफ से दिखा देता हूँ, दिखे तो अच्छी बात है, देख लो भाई कहाँ से भी दिख। तो ये चारों ऐसे लगा देना, ठीक है, तो ये चारों लगने का ये एक हो गया। मेक श्योर कि इसको अच्छे से टाइट लगाओ ताकि ये स्लिप ना हो, अगर लूज़ लगाओगे तो ये तुम्हें बहुत दिक्कत प्रोवाइड करेगा आगे जाके, एक्सीडेंट के चांसेस क्रिएट कर सकता है, खुदा ना खास्ता ऐसा हो नहीं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से टाइट करें, ओवर टाइट भी मत करना जिससे ये टूट जाए, वैसे टूटेगा तो नहीं जल्दी लेकिन फिर भी। और राइट नाउ अभी आप देख सकते हो ये अभी हिल नहीं रहा है, सो मेक श्योर कि ये बस हिले नहीं, वो अच्छे से इतना टाइट रहे।
तो इसी तरह अभी इसको भी ब्रेक को भी लगा लेंगे, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन को लगाएंगे। फिलहाल मैं अभी ये लगा देता हूँ, फिर एक्सेलरेशन का वीडियो दिखाता सो हूँ गाइस डायरेक्ट। देख सकते हो ये दो तो लग गए, क्लच पैडल और ब्रेक पैडल का लग गया है। अभी सिर्फ रह गया रेस पैडल का, एक्सेलरेशन पैडल का बाकी है, जिसको अभी अब लगाएंगे। एक स्क्रू यहाँ पे इसका, अभी ये बाकी दो स्क्रू आप अकॉर्डिंग टू आपके जहाँ पे जो जजमेंट के हिसाब से आप देख लो एक बार लगा के। ये चार में से कहीं पे भी लगा सकते हो, दो स्क्रू ऊपर लगा दो, मैं तो ऊपर लगा रहा हूँ, एक यहाँ पे है और एक स्क्रू होल है यहाँ पे। राइट नाउ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रबर को आप हल्का सा, रबर जो है ये पैड, रबर पैड जो लगेला है इसको हल्का सा आप ऊपर करोगे ना, ये देखो दिख रहा है, तो एक स्क्रू इसमें भी डाल दो, जिससे आपको फिर बाद में पट्टी नीचे से आप लगा सकते हो। देखो मैं दिखा देता हूँ। सो राइट नाउ गाइस ये देखो मैंने ये चारों तो इसमें लगा लिया है। देखो आपको एक साइड पीछे साइड से बैक साइड से दिखा देता हूँ, ये देखो। अरे कहाँ गया, ओ सॉरी, ये देखो ये चारों लगा लिया है। ये सॉरी ये निकाल अभी तक लगाया नहीं, लगाना बाकी है। ये चारों इसके होल्स के थ्रू लगाना है। बाकी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये रबर को ना निकाल के फिर इसमें लगाओ, क्योंकि वो ज़्यादा आपको सिंपल भी रहेगा और सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि ये रबर पैड को आप निकाल लो। निकल जाता है, इसको कुछ नहीं, अंदर ये प्लग किया रहता है। या आप इसको खींचोगे ना बैक साइड से, देखो ये प्लग किया रहता है, ये इसको खींचोगे ये आ जाएगा। आपके डिपेंड करता है, हर गाड़ी के हिसाब से अलग अलग रहता है। सो आपको जो हिसाब सूटेबल रहे आप वैसा कर सकते हो। सो मैं अभी करते हो, ये ऑलरेडी फिट हो गया, अभी सब फिट कर लिया मैंने। ये देखो अभी हिल भी नहीं रहा ज़रा सा भी, ये देखो फुल्ली टाइट है। मेक श्योर कि आप इसको एकदम ही टाइट रखें। ये मेरा तीनों लग चुका है, देखो भाई लुक देखो क्या एनहेंस हो के आ रही है। फुल स्पोर्टी लुक भी है, आपका गाड़ी का पैडल लुक भी एकदम उसने स्पोर्टी लुक कर दिया। स्पोर्ट्स कार वाली फीलिंग अभी आपको मिलेगी ना इससे, देखो कितना मस्त लग रहा है। इंटीरियर के साथ भी फुल मैच कर रहा है, देखो देखो कम्प्लीटली रेड एंड ब्लैक में है। तो इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मनपसंद कलर का भी मंगा सकते हो। और भी डिफरेंट टाइप के भी आते हैं इसमें, इसमें डिज़ाइन भी आ जाते हैं और डिफरेंट टाइप में पैडल्स भी आ जाते हैं। आप आपके अकॉर्डिंगली जो भी पसंद का है वो आप ऑर्डर कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हो सके तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर दो यार, फ्री यार कर ही दो, ठीक है। तो उससे क्या अगले अगले कंटेंट में मुझे अपलोड करने को और मज़ा आएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यार।